नमस्कार इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। खेती कानूनों लैके मान जो सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का किसान आगू ने किया स्वागत। जिक्र योग है कि खेती कानूनों लैके मान जो सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का गुरदासपुर में किसान आगू ने समर्थन किया है। किया है मान जो कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो फटकार लगा के खेती कानूनों पर रोक लगा के किसानों के हक में फैसला सुनाया है। ये फैसले का वो स्वागत करते हैं। आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चे जो अगली रणनीति तैयार करेंगे उस तरीके अगला संघर्ष उलीकिया जाएगा। 26 जनवरी का रोस मार्च अटल है जो कढ़िया जाएगा। इस मौके पर जानकारी देंदे हुए किसान आगुओं ने कहा कि मान योग सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का वो स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार जो फटकार लगा के जिन्हें खेती कानूनों पर रोक लगाई है फैसला सुनाया है। एक किसानी हक में है। देखो इंसाफ टीवी से पूरी खबर। मानयोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उन्हें झाड़ झंब की केंद्र सरकार की एक चंगी गल की। एक केंद्र सरकार को समझना चाहिए वा तो कं से लिखा पढ़ना चाहिए वा काले कानून रद्द करने चाहिए जेडे इन्होंने होल्ड किए ने कानून केंद्र सरकार ने अगले हुक्मों तक केंद्र साड़िया जथेबंदियों का यह विचार आ होल्ड कर महना वा भी कुछ चेर बाद मुड़ के लागू हो सकते हैं केंद्र सरकार दोबारा लागू कर सकती है। असी साड़ी जथेबंदियों का फैसला जो आ वो मैंने संयुक्त किसान मोर्चे का दिल्ली जोड़े लागे बैठे चार सौ चढ़ाव करके दिल्ली का असी उन्ना चिर तक उतों नहीं उठना जो मर्जी हो जाए जिन्ना चिर तक कानून रद्द नहीं करती सरकार जिमें मर्जी हो जाए। जी कमेटी बनाई आ फिलहाल जथेबंदियों का फैसला कि सानू वो कमेटी के असी नहीं जाना कमेटी का साड़ी मर्जी नाल नहीं बनाई किस तरह सानू लोड़ ही नहीं साड़ी कोई बहस नहीं कोई विचार नहीं साडा तो कानून रद्द होने चाहिए कानून साढ़े पक्ष च बिल्कुल नहीं गया कानून बनाने ही क्यों सी बिल्कुल बनाने की लोड़ ही नहीं सी कोई भी कानूनों इस करके कानून रद्द कराने असी ये कोई बहस बहसा कोई विचार चंदा कोई नहीं होना नाल एम एस पी जी पार्लीमेंट पास कर कानून बना एम एस पी का सारे देश वास्ते ते 23 दे 23 वस्तों वास्ते इस करके असी मानयोग सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सत्कार भी करते हैं तो असी आस करते हैं कि वह केंद्र सरकार को आखूगी आदेश देगी कि कल ये कानून रद्द किए जा अगे भी इन्होंने बड़े कानून केंद्र सरकार ने रद्द किए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गैर संविधानक कानून वा उन्होंने रद्द करने चाहिए सुप्रीम कोर्ट की साड़ी अपील वा कि यह संविधान गैर संविधानक वा फैडरल ढांचे के खिलाफ वा इस संविधान के खिलाफ वा भावना के खिलाफ वा इन्हों सुप्रीम कोर्ट में ही चाहिए पहलकदमी करके रद्द कर देंगे। साडा 26 का ट्रैक्टर मार्च अटल वा उत्थे हर हालत में बहुत वड्डी गिनती बहुत ही वड्डी गिनती ट्रैक्टर जा रहे हैं तो उत्थे ट्रैक्टर मार्च अटल वा इहनूं कोई नहीं टाल सकदा। तैनूं पता केंद्र सरकार बहुत डरी हुई है घबराई हुई आ असीं बड़ा स्पष्ट कर दिता वा कि केंद्र सरकार ने विखावा करना वा अपनी शक्ति का आनू डराउण लई असीं डराउण लई नहीं असीं तां अपनी शक्ति का पटावा करना वा उन्हां दे प्रोग्राम च जिहड़ा 26 जनवरी दा साडा राष्ट्रीय दिवस वा असीं कोई साडा गणतंत्र दिवस वा असीं इस दा सत्कार करने आ असीं इहदे च कोई विघन नहीं पाउणा किते भी किसी जिला लैवल ते भी किसी पंजाब लैवल ते गवर्नर लैवल ते कितने केंद्र लैवल से असी कि विघन नहीं पाना असी अपनी शक्ति का प्रगटावा करना वा साडे को शक्ति ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर वा जां साडियां जानां ने होर साडे को कुछ नहीं गा रिकॉल होर की हुंदा वा असी अपनी जमीना नहीं कुछ देनियां अपने बच्चों का भविख तबाह हो नहीं हो देना ये गलत वा असी लड़ांगे तो हर हालत में आखिरी साह तक लड़ांगे। धन्यवाद असी बहुत वेलकम करने असी समझने भी साडा ये मोर्चे की जी नैतिक जित है हालांकि तौर पर जित है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें भी उत्थे गल्लां कीतियां ने वो साढ़े इस अंदोलन के साडे इस मोर्चे के खिलाफ एक भी शब्द कोई गल नहीं की जो भी उन्होंने क्या वा उस केंद्र सरकार के खिलाफ ही गल्लां कीतियां कि तुसीं सही ढंग नाल ना कानून बनाने वेले सोचा वा तो ना इन लागू करने वाले सोचा वा तो ना ही तुसीं किसान अंदोलन सही ढंग नाल इन्ने समय तो जिहड़ा नजिठण की कोशिश की है कोई तुसां जिहड़ी कोई चज नाल पहलकदमी नहीं की जिहदे करके जिहड़ा इह सारा जिहड़ा अंदोलन दिल्ली दे जिहड़ा घराओ आ इह चल रिहा वा तो असीं समझने आ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो साडी नैतिक जित आ साडे अंदोलन की जित आ साडे किसानां की जित आ सारी इस नाल अंदोलन नूं जिहड़े दे रहे अपनी हमायत दे रहे आ वो सारे वर्गों के सारे लोगों की वो जित वा तो जिहड़ी अगली गल आ कि उहदे ते साडियां किसान जथेबंदियां अज ही शायद मीटिंग करनगियां साडियां जिहड़ियां जिहड़ा साडा संयुक्त मोर्चा ते पंजाब दीआं जिहड़ियां 32 किसान जथेबंदियां ने वो मीटिंग करन तों बाद अगला की स्टैप लैणा वो दसणगियां
ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਅਟਲ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ।